रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब कह रहे हो आप ही ऐसे होंगे। तो आज फिर से एक नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं बाइक के ऊपर ही। और क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? तो अभी मैं जनाब जाने लगा हूँ, मुदस्सर सदीक साहब से भी मुलाकात होगी और उसके बाद मैं आपको वो चीज़ दिखाने लगा हूँ कि एक नाला है हमारे टेक पर भी जाना है जहाँ से रेत वगैरह आती है, वो भी सब कुछ आपको दिखाना है। और यहाँ पर एक नाला है जिसका जो है ना, वो कहते हैं ना नीचे वाली साइड, नीचे वाली सरफेस उसकी नहीं है, वो भी इंशाल्लाह अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत भी है। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अबरूदू का बाग है। बाइक से मोबाइल पे व्लॉग बनाना बड़ा ही मुश्किल है, तो इंशाल्लाह जल्दी हम GoPro लेंगे जो हेलमेट के साथ अटैच करके या बाइक के ऊपर, तो आसानी के साथ इंशाल्लाह फिर उससे जो है ना वो भी लाग वगैरह बना हुआ होगा। ये रास्ता जो है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जफरवार रोड है। इस रास्ते के ऊपर जैसे कि आप मेरे इर्द गिर्द भी देख रहे हैं कि पौधे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। तभी मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जिस नाले के नीचे सुना है कि इसकी नीचे वाली सरफेस नहीं है और यहाँ पर जो भी गिरेगा वो नीचे ही जाएगा। अभी मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ पर। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले लगाते हैं गाड़ी की ब्रेक। गाड़ी हुए यहाँ तो पानी बड़ा ज़्यादा है। मैंने तो सुना था कि यहाँ पर जो है ना वो पानी बहुत कम है। ये यही वो नाला है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो नीचे वाली सरफेस है ना, यानी जिसको तालाब बोलते हैं पंजाबी के अंदर, किसी भी चीज़ की जैसे बाल्टी या कोई भी माग, उसका नीचे वाला तालाब होता है ना, इस नाले का ना वो वाला तालाब नहीं है। यानी यहाँ पर जो भी डूबेगा ना वो बहुत नीचे जाएगा। है वो होगा तो सही कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत नीचे है। तो अभी मैं इसके ऊपर बिल्कुल खड़ा हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ से व्यू नज़र आता है। मैं उस साइड पर बिस्मिल्लाह, मेरी सबसे बड़ी गलती बचपन के अंदर हमने पढ़ा है कि भाग कर आपने रोड क्रॉस नहीं करना, लेकिन मैंने भाग कर किया है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत व्यू आपको नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, वो आपको सामने ग्रीन ग्रीन जो है ना वो पड़े हुए जिसके अंदर पानी वगैरह टप समझ लें आप, वो पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही नाले के इर्द गिर्द उन्होंने ना ये ग्रीन ग्रीन जो है ना वो क्यों रखे हुए हैं, ब्लू सॉरी। तो ये साथ इसके बड़ा ही घना जंगल है, ठीक है। यहाँ पर माशाल्लाह देखें आप व्यूज़ कितना ज़बरदस्त लग रहा है पीछे वाली साइड से। ये इसका पुल है, पुल भी काफ़ी ज़्यादा 100 साल तकरीबन पुराना है अंग्रेज़ों के दौर का, तो अभी ये भी कमज़ोर हो चुका होगा। माशाल्लाह बड़ा ही सुकून है यहाँ पर, ठंडी ठंडी हवा आ रही है जंगल की तरफ से। वो देखें आप सामने परिंदा उड़ रहा है माशाल्लाह। अगर मेरे पास ड्रोन होता ना तो इसके पीछे पीछे मैंने अपना ड्रोन उड़ाना था। तो अभी मैं जाने लगा हूँ, आपको व्यू जो दिखाना है वो टेक वगैरह का दिखाना है, उसके बाद मुदस्सर सदीक साहब से भी इंशाल्लाह हमने अभी मिलना है। ये देखे गाड़ियाँ आ जाए, चेक करें स्पीड इसकी ज़बरदस्त। सूरज जो है ना वो अभी ग़ुरूब हो रहा है, लेकिन मौसम जो है ना वो बारिश वाला बन चुका है। मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ से मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा, इतना सुकून है यहाँ पर। ठंडी हवा, पानी, वैसे भी मौसम ठंडा हो गया लेकिन पानी की वजह से हवा जो है ना वो मज़ीद ठंडी हो चुकी है। जी मैं आया हूँ जफरवाल, तहसील जफरवाल वाली साइड पर। तो यहाँ पर ना पानी के अंदर जो है ना फसल होती है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उस फसल को कहते हैं सिंगाड़े की फसल। ये देखें, ये जितना भी आपको पानी नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये सारा खेत जो है इसके अंदर ना पानी के अंदर फसल होती है। वो सामने भी मैं अभी आगे जाकर भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सारी की जितनी भी फसल है वो पानी के अंदर होती है और इसको बोलते हैं सिंगाड़े की फसल। ये पहली फसल है जो पूरा साल जो है ना, यानी कि पूरा सीज़न पानी के अंदर रहती है, और इसकी जो कटाई है ना वो भी ऐसे ही पानी के अंदर से ही वन बाय वन इसको तोड़ा जाता है। जब ये कंप्लीट फसल होगी फिर इंशाल्लाह मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी मेरी मुदस्सर भाई से भी मुलाकात हुई है, जैसा कि आपने थंबनेल से भी देखा। अभी मैं आया हूँ जी अपनी जो जफरवाल की एक खूबसूरत जिसको नाला डेक बोलते हैं उसके ऊपर। यहाँ पर देखें माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा व्यू है। ये देखें माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सीन। अभी मैंने सनसेट को भी फुल यहाँ पर इंजॉय किया, पानी के अंदर डूबता हुआ सूरज देखा। तो यहाँ पर ये आप मेरा स्टैंड आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर मैंने मोबाइल रख करना, तो जो अपनी शॉर्ट्स वगैरह ना व्लॉग शॉर्ट्स वो एडिट किए हैं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वो आप देख सकते हैं, बड़ी मज़े के व्लॉग होते हैं। तो यहाँ पर अभी इस टाइम जो है ना वो फुल यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, बस वो दूर यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही है जो गाड़ियाँ रेत लेकर जाती हैं। तो बड़ा एक पुरसकून यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माहौल है। पानी जो है ना वो उसका जो फ्लो है वो बिल्कुल नॉर्मल है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का जो फ्लो है बिल्कुल नॉर्मल है, नहीं बहुत कम है, लेकिन जब यहाँ पर ज़्यादा पानी आता है तो यहाँ से लेकर ना वहाँ तक भाईजान ये सारा का सारा भर जाता है। और उस पुल के ऊपर जब हम खड़े होते हैं तो वहाँ पर हमें खौफ आता है, इतना ज़्यादा पानी होता है, ऐसा ऐसे लगता है बंदा बीच में ही गिर जाने लगा। वगैरह मैंने क्लोज़ कर लिए तो ये टॉप ना पड़ेगा यहाँ से, बिस्मिल्लाह। तो यही हमारे मेरा बैग पड़ा हुआ है, बैग तो हर जगह लाजमी है, इसके अंदर डालेंगे अपना सामान वगैरह। चलो भाई, बाइक ये खड़ी है, बिस्मिल्लाह। ये बाइक मैंने चला चला के ना व्लॉग के चक्कर में तो पुरानी कर दी है। ओहो, अभी आपने देखा कितनी मुश्किल के साथ जो वो ये गाड़ी है ना ये ऊपर आई है, वहाँ से ऊपर आई है। एक दफ़ा ये पीछे को गई थी, वो आप शॉर्ट में देखोगे मेरे में पीछे गई थी, तब इसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ख़तरा होता है, मीन के एक साइड को उलटने का भी इसका जो है ना वो चांस होता है जब ये पीछे को जा रही थी। तो ये बहुत एहतियात से इनको जो है ना वो ड्राइव करनी पड़ती है। हाँ भाई, क्या हाल है, ठीक हो? क्या नाम है आपका? अली हसन। जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हवा और साथ हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, देखें तो दुआ है कि मैं टाइम से पहुंच जाऊं घर, क्योंकि अभी यहाँ से घर की जो मुसाफत है ना वो तकरीबन 30 से 25 किलोमीटर है। मैं यहाँ पर देख के ऊपर जो अभी नहर आपको दिखाई है ब्लॉग बनाने आया था, साथ में दस्तर भाई से मुलाकात करने। अभी मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब, दिन तो अभी काफ़ी आपको सूरज नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो मौसम ख़राब होने की वजह से, बादल छाने की वजह से ऐसे जैसे अभी से रात पड़ रही है। मौसम ख़राब होने का इतना नुकसान नहीं है जितना रास्ते में जो है ना वो हवा चलने का नुकसान होता है और साथ बारिश। यहाँ पर देखें फुटबॉल का मैच हो रहा है साथ। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह दिन भी ख़त्म हो चुका है और हमारा सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो गाँव है ना वो पहुँच चुका हूँ, ये सामने अल्हम्दुलिल्लाह गाँव है मेरा, थोड़ा सा ही दूर रह गया अब तो। हाँ जी आप साहब, जाना है क्या? हूँ वेड़े हथी काम करना है ये। चलो आपसे मैंने पूछा है वो यही जो गंदम का काम है ना ये वाला, यही करके आए हैं, तो वो कह रहे हैं अभी हमें यहाँ पर काम है, हमने नहीं जाना आपने, यहाँ से 1 किलोमीटर रहेगा हमारा विलेज। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलते हैं किसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।